नूरपुर के कस्बा जसूर में स्वच्छता अभियान की सरियां उड़ाई जा रही हैं धजियां। जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। कुछ लोग कूड़ा करकट जसूर की खड़ में फेंक रहे हैं, जिससे हर समय बीमारी होने का खतरा हो रहा है। खड के साथ सूचना पट भी लगाया गया है कि कूड़ा कचरा फेंकने वाले पर पंचायती राज अधिनियम के तहत जुर्माना किया जाएगा। फिर भी लोग सरेआम ही कानून की धजियां उड़ाने पर तुले हुए हैं। नूरपुर के कस्बा जसूर में स्वच्छता अभियान की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। कुछ लोग कूड़ा करकट जसूर के खड्ड में फेंक रहे हैं, जिससे हर समय बीमारी होने का खतरा रहता है। खड्ड के साथ सूचना पट भी लगाया गया है कि कूड़ा कचरा फेंकने वाले पर पंचायती राज अधिनियम के तहत जुर्माना किया जाएगा। फिर भी लोग सरेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नूरपुर खंड विकास अधिकारी कई बार इसी विषय पर पंचायत के लोगों और व्यापार मंडल के साथ बैठकें कर चुके हैं, फिर भी लोग कानून की धज्जियां उड़ाने में गुरेज नहीं कर रहे हैं। जहां मन कर रहा है वहीं कूड़ा करकट फेंक रहे हैं। जब इसके बारे में नूरपुर के खंड विकास अधिकारी ओपी ठाकुर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि गंदगी का उचित निपटारा होना चाहिए। पंचायत को इसके बारे में निर्देशित भी किया गया है और पंचायत ने गंदगी फैलाने वालों को नोटिस भी निकाले हैं। लोगों से एक बार फिर अपील की जाती है कि वो अपने क्षेत्र को कूड़ा करकट से मुक्त रखें। ओपी ठाकुर ने कहा कि साफ सफाई हमारा सभी का दायित्व है, जो कि पूरे क्षेत्र को मिलजुल कर ही करना होगा, अन्यथा मजबूर होकर पंचायती राज अधिनियम के तहत जो शक्तियां दी हुई हैं उसके तहत चलान किए जाएंगे। जैसा कि विदित है कि पंचायत क्षेत्र में काफी लोग बाहर से भी आते जाते रहते हैं और वहां पे जो है जसूर का कस्बा एक व्यापारिक केंद्र है, तो जाहिर है कि वहां पर जो है गंदगी कई बार जो है हो जाती है, लेकिन उसका उचित निपटारा होना चाहिए और पंचायत को इसके बारे में जो है निर्देशित भी किया गया है और पंचायत ने जो है वो नोटिसेस भी निकाले हैं जो गंदगी फैला रहे हैं। तो मेरा एक बार लोगों से अपील है कि कृपया जो है वो अपने क्षेत्र को, अपने करनाला पंचायत को, जसूर क्षेत्र को जो है वो कूड़े कचरे से मुक्त रखें, वहाँ पर गंदगी ना होने दें। और इस अपील के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि क्योंकि साफ सफाई जो है सभी का एक सामूहिक दायित्व है, तो वो लोगों को जो है पूरी सोसाइटी को, पूरे जसूर को मिलके ही करना होगा और पंचायत को अन्यथा मजबूर होकर के फिर जो है उनका जो पंचायती राज एक्ट के अंतर्गत जो शक्तियां दी हुई हैं उसके तहत लोगों को, लोगों के चालान भी करने पड़ेंगे।